युवक रिंकू शर्मा जो है अपने घर से लापता हो गया था। कल वो अचानक से मिल जाता है किसी घर से, जिस घर द्वारा पहले सूचित किया जाता था, फिर पुनः उसी घर द्वारा सूचित किया जाता है और उसी घर से युवक मिलता है। आपका क्या कहना है? देखिए, उसमें मैं जिस तरह पिछली बार भी एक मीडिया बाइट में हमने दो तीन बातें रखी थी पुलिस, उस बातों को अगर हम आगे चलें तो ये लड़का हमें कौन सा गांव था, ये मकोल गांव में किसी घर से खबर आई तो उस घर पे जब गए, पार्टी हमारी पहुंची तो वो वहाँ पे हमें मिल गया। बहरहाल मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, पिछले कुछ दिनों में इस बात को लेके बड़ी किस्म की चर्चाएं चल रही थी रिगार्डिंग सम सस्पिशियस मूवमेंट, या कि इस लड़के को किसी ने ले गए या कहीं कोई मिलिटेंट आए और इस लड़के को ज़बरदस्ती घर से उठा के ले गए। मैं कुछ चीज़ें बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन कुछ ऑब्जर्वेशंस पे चलती है। अगर हम उन ऑब्जर्वेशंस को रीड करें तो फर्स्ट डे ही हमें ये पता चल जाता था कि घर में किसी तरह की भी कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई और इंसान जो भी गया है वो अपने शूज़ डाल के गया हुआ है, जबकि उन्होंने घर पे एक अपनी सुरक्षा के लिए एक डॉग भी रखा हुआ था, उस डॉग ने भी किसी तरह का कोई अलार्म साउंड नहीं किया। तो ये चीज़ें हमें पहले दिन से ही ये दिखा रही थी कि कहीं ना कहीं इसमें जो इंसान गया हुआ है उसकी अपनी मर्जी इन्वॉल्व है, ना कि किसी का शरारत या उस तरह की मूवमेंट। बहरहाल कल जब वो शख्स हमें मिलता है, उसके बाद उसका जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया उसमें वो खुद इस चीज़ की तायद करता है कि वो जहाँ से गया वो अपनी मर्ज़ी से गया था, मे बी वो किसी तरह के पर्सनल प्रेशर में हो या कोई इशू हो उसके साथ, उसके बारे में अभी उसने बात नहीं किया है। दैट इज़ ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो मैं लोगों को भी बहुत मुबारक देना चाहता हूँ, उसमें सब लोगों ने उसको ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत की, हमारी मदद की, टाइमली हमें साउंड किया। इनिशियली हमें भी ये इशू लग रहा था, उस तरह हमने अपनी टीम बनाई, हमने दो दिन हमारे SHO साहब के अंडर वो टीम सर्च करती रही, फिर उसके बाद हमने DSP साहब को उस टीम को सुपरवाइज करने यहाँ भेज दिया, दो दिन उन्होंने भी सर्च की। बहरहाल उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन में पार्ट आया उसमें ये चीज़ें क्लियर हो गई कि वो इंसान अपनी मर्जी से ही किया है, और कल उसके आने के बाद ये सारी चीज़ें इन सब अटकलों पे कि किसी सस्पिशियस मूवमेंट में या कोई उसको ज़बरदस्ती ले गया है उस पर पूरा तरह से अल्पविराम लग गया। सर, गुज़श्ता चंद माह से ज़िला राजौरी के अंदर और बिलखसूस सुंदरबनी नौशहरा कालाकोट के अंदर क्राइम रेट का गारा, आपने ये बोला, ये मैं कह सकता हूँ कि वायलेशन है, हमारा काम है वायलेशन को चेक करना, जो भी जहाँ पे वायलेशन हो रही हैं हम उन्हें चेक करते हैं, आप उनको आंकड़ों में रख रहे हैं। अलबत्ता कुछ वायलेशंस लॉकडाउन होने के कारण भी ज़्यादा हुई, तो ऐसी सिचुएशन है नहीं है, ये पार्ट एंड पार्सल रहता है किसी भी सोसाइटी की ग्रोमिंग का, और हमारा एक ही काम है इसमें, जब कोई उस तरह की वायलेशन हो हम कर रहे हैं अपनी कार्रवाई। सर, कुछ लोगों की एक लंबी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारी कुछ बॉर्डर पोस्ट थी जो पिछले 10-12 साल से वैकेंट थी, फिलहाल हमने उनमें से दो को एक्टिव कर दिया है और आने वाले कुछ दिनों में हम और भी एक्टिव, एक दो पोस्ट को और भी एक्टिव करेंगे। सर, क्या VDC की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा? देखिए, VDC की संख्या जो बढ़ाने वाली, इसमें गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, अलबत्ता इसमें किसी भी तरफ से अभी कोई उस तरह की रिक्वेस्ट आई नहीं है, जो आएगी ये हायर फॉर्मेशन का डिसीजन होगा, वो इसको अपने हिसाब से। सर, लास्ट में एक क्वेश्चन रहेगा हमारा, सर जैसे गन लाइसेंस सर काफ़ी देर से बैंड है और पब्लिकली डिमांड आ रही है क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए कुछ लोग जो भी उसके लिए, सर क्या उसका प्रोविजन? देखिए, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, वो भी हमारे लेवल का तो इशू है नहीं, आप उसे DC साहब से, सरकार से मिले। मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि मौजूदा हालात में कोई बात आती है उसकी वजह से कुछ ऐसी बातें बन जाती हैं, जैसे ये इस मिसिंग केस में हुआ कि कॉन्स्पिरेसी थियरीज आ गई कि कोई उठा के ले गया या ये ले गया। मैं आपसे, पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली अफवाहों पे विश्वास ना करें, हम पे ट्रस्ट रखें,